नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। देखिए दोस्तों, राजस्थान जीके के 50,000 क्वेश्चन आंसर की जो अपन ने सीरीज शुरू कर रखी है, उसमें पार्ट नंबर 16 के बारे में अपन इस वीडियो में बात करेंगे। इस लेसन में आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। देखिए आज का सेशन अपन शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, भाला लिए अश्वारोही किस लोक देवता का प्रतीक है? तो देखिए इसमें तेजाजी तो नहीं होगा, इसके अलावा गोगाजी भी नहीं होगा, इन दोनों में से आपको बताना है, बाबूजी और बाबा रामदेव। भाला लिए अश्वारोही किस लोक देवता का प्रतीक है? तो बाबूजी क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको देखा है, बाबा तल्लीनाथ का वास्तविक नाम क्या था? बाबा तल्लीनाथ और इनका वास्तविक नाम, जयदेव नहीं होगा और वीरमदेव भी नहीं होगा, इन दोनों में से बताओ आप। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? राठौड़ गांगदेव इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको दे रखा है, लोक देवता कल्लाजी राठौड़ का जन्म कहाँ पर हुआ था? कल्लाजी राठौड़ इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो बुटाटी में नहीं हुआ था और हरनावा में नहीं हुआ था, इन दोनों में से आपको बताना है। तो कहाँ पर हुआ था कल्लाजी राठौड़ का जन्म? मेड़ता में हुआ था, ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट आपको दे रखा है, चार हाथों वाले देवता के रूप में ख्याति किसकी हुई थी? चार हाथों वाले देवता के रूप में, तो हड़बू जी की नहीं हुई थी और धांधल जी की भी नहीं हुई थी, इन दोनों में से आपको बताना है। चार हाथों वाले देवता के रूप में ख्याति किसकी हुई थी? तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? वीरवर कल्लाजी होगा। नेक्स्ट आपको देखा है, वीरवर कल्लाजी के गुरु का नाम आपको बताना है। वीरवर कल्लाजी के गुरु का नाम, तो तल्लीनाथ नहीं था, इसके अलावा गागदेव भी नहीं था, इन दोनों में से आपको बताना है। वीरवर कलाजी के गुरु का नाम तो क्या था? भैरवनाथ। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, योगाभ्यास और जड़ी बूटी का जो ज्ञान है वो कौन से लोक देवता को था? योग का अभ्यास और जड़ी बूटी का ज्ञान कौन से लोक देवता को था? गोगाजी को नहीं था और तल्लीनाथ जी को भी नहीं था, इन दोनों में से बताओ आप। योग अभ्यास और जड़ी बूटी का ज्ञान इसको था? कल्लाजी को था, ऑप्शन फोर्थ इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको देखा है, प्रकृति प्रेमी और पेड़ पौधों की रक्षा करने वाले लोक देवता, प्रकृति प्रेमी और पेड़ पौधों की रक्षा करने वाले लोक देवता, मल्लिनाथ जी नहीं होगा और गुगा जी नहीं होगा, इन दोनों में से आपको बताना है। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तल्लीनाथ इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट आपको देखा है, शकुन शास्त्र के ज्ञाता, शकुन शास्त्र के ज्ञाता कौन से लोक देवता को माना जाता है? शकुन शास्त्र के ज्ञाता, हरिराम बाबा नहीं था और मल्लिनाथ भी नहीं था, जुंजार जी और गोगा जी में से आपको बताना है। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? गोगा जी होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, देव बाबा का मंदिर भरतपुर जिले के कौन से गांव में स्थित है? देव बाबा का मंदिर, तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? नगला जहाज इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है, मल्लिनाथ जी का जो मेला है वो कौन से स्थान के ऊपर बढ़ता है? मल्लिनाथ जी का मेला कौन से स्थान पर बढ़ता है? देखिए सीकर नहीं होगा और सिंदरी भी नहीं होगा, तिलवाड़ा और गांगरिया में से आप बताओ। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तिलवाड़ा इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है, मल्लिनाथ जी का जो जन्म है वो कब हुआ था? मल्लिनाथ जी का जन्म कब हुआ था? 1034 में नहीं हुआ था और 1959 में भी नहीं हुआ था, इसके अलावा 1703 में भी नहीं हुआ था, 1358 ईस्वी। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है, वीर बिग्गा जी का जो जन्म है वो कौन से प्रदेश में हुआ था? वीर बिग्गा जी का जन्म कौन से प्रदेश में हुआ था? अहिचत्तरपुर में नहीं हुआ था और मगध में भी नहीं हुआ था, इन दोनों में से आपको बताना है। जांगल प्रदेश और तिलवाड़ा में से वीर बिग्गा जी का जन्म तो कहां पर हुआ था? जांगल प्रदेश में हुआ था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है, राजस्थान का कौन सा समाज वीर बिग्गा जी को कुल देवता मानता है? तो भामू नहीं होगा और कोकना भी नहीं होगा, ताक्कड़ और जाखड़ में से बताओ आप। राजस्थान का कौन सा समाज वीर बिग्गा जी को कुल देवता मानता है? तो जाखड़ समाज। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट दे रखा है, भूरिया बाबा यानी कि जो गौतमेश्वर है को किस जाति का इष्ट देव माना जाता है? तो भील जाति नहीं होगा, चारण जाति भी नहीं होगा, मीणा और नाई जाति में से आपको बताना है। भूरिया बाबा
गौतमेश्वर को किस जाति का इष्ट देव माना जाता है? तो मीणा क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर आपका कोई भी फ्रेंड्स अगर मीणा कास्ट से वो बिलोंग करता है तो आप गौतमेश्वर की उनको कसम देकर कोई बात पूछ सकते हो, वो इनको इष्ट देवता मानते हैं। मीणा इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, वीर फताजी का जो विशाल मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? तो देखिए साहू इसमें नहीं होगा और सानू भी नहीं होगा, साधु और साथु में से आपको बताना है वीर फताजी का विशाल मंदिर कहाँ स्थित है। तो कहाँ पर, ये साथु इसका करेक्ट आंसर होगा। शस्त्र विद्या का जो ज्ञान है वो कौन से लोक देवता को था? शस्त्र विद्या का ज्ञान कौन से लोक देवता को था? गोगा जी को नहीं था और बुढ़िया बाबा को भी नहीं था, इन दोनों में से आपको बताना है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, वीर फताजी होगा, ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट आपको देखा है बाबा जुंजार जी का जो जन्म है वो किस परिवार में हुआ था? बाबा जुंजार जी का जन्म कौन से परिवार में हुआ था? तो देखिए ब्राह्मण परिवार में नहीं हुआ था और जाट परिवार में भी नहीं हुआ था। बाबा जुंजार जी का जो जन्म है वो कौन से परिवार में हुआ था? राजपूत परिवार में हुआ था। नेक्स्ट आपको देखा है जुंजार जी का देवस्थान कौन से वृक्ष के नीचे होता है? झुंझार जी का देवस्थान कौन से वृक्ष के नीचे होता है? पीपल के नीचे नहीं होता है और बबूल के नीचे भी नहीं होता है, इन दोनों में से आपको बताना है झुंझार जी का देवस्थान कौन से वृक्ष के नीचे होता है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, खेजड़ी वृक्ष होगा, ऑप्शन सेकेंड इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, ऐसा लोकवाद्य जिसका निर्माण कटे हुए नारियल कटोरी से किया जाता है, ऐसा लोकवाद्य जिसका निर्माण कटे हुए नारियल की कटोरी से किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, रावण हत्ता होगा, ऑप्शन थर्ड। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, वह वाद्य यंत्र जो प्राचीन काल में युद्ध के समय बजाया जाता था, वो कौन सा वाद्य यंत्र है जो प्राचीन काल में युद्ध के समय बजाया जाता था? तो देखिए नगाड़ा नहीं था उसमें और ढोल भी नहीं था, इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, नौबत होगा, ऑप्शन फर्स्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है, सपेरों के द्वारा बजाया जाने वाला जो लोकवाद्य है वो कौन सा है? सपेरों के द्वारा बजाया जाने वाला लोकवाद्य, तो देखिए सहनाई नहीं है और खंजरी भी नहीं है, बांसुरी और पुंगी में से आपको बताना है सपेरों के द्वारा बजाया जाने वाला लोकवाद्य तो कौन सा है, वो पुंगी होगा इसका करेक्ट आंसर, ऑब्वियस है सभी को पता होना चाहिए। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, तेरह ताली जो नृत्य है उसमें कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है? तेरह ताली नृत्य में कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है? ढोलक का नहीं होता और चंका भी नहीं होता। तेरह ताली नृत्य में कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है? मजीरे का प्रयोग होता है, फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको देखा है, गैर नृत्य का जो संबंध है वो कौन सी जाति से है? गैर नृत्य का संबंध कौन सी जाति से है? कालबेलिया जाति नहीं होगा और बंजारा जाति भी नहीं होगा, गैर नृत्य का जो संबंध है वो कौन सी जाति से है? भील जाति इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको देखा है, कन्नाना बिलाड़ा समदड़ी ये जो स्थान है इन पर प्रमुख रूप से कौन सा नृत्य किया जाता है? कनाना बिलाड़ा और समदड़ी इन स्थानों पर प्रमुख रूप से कौन सा नृत्य किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, गैर नृत्य इन स्थानों पर किया जाता है। राजस्थान की जो पहचान है वो कौन से नृत्य से है? राजस्थान की पहचान कौन से नृत्य से है, कहने का मतलब राजस्थान का कौन सा नृत्य है वो फेमस है वो आपको बताना है। तो देखिए वाल्दर नृत्य नहीं होगा और गणगौर नृत्य भी नहीं होगा, तो जो राजस्थान से है उन सभी को पता होगा घूमर नृत्य है वो काफी फेमस है। नेक्स्ट आपको देखा है, घूमर में एक विशेष जो कहरवे की चाल होती है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए अष्टकोणीय नहीं होती वो और अठाई भी नहीं होती, अब बताओ आप घूमर में एक विशेष कहरवे की चाल होती है वो क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है, वो सवाई के नाम से उसको जानते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखा है, फड़ जो नृत्य है उसमें कितने व्यक्ति होते हैं? फड़ नृत्य में कितने व्यक्ति होते हैं? तो दो व्यक्ति इसमें नहीं होते और 32 भी नहीं होते, फड़ नृत्य में कितने व्यक्ति होते हैं? 42 व्यक्ति होते हैं। निम्न में से कौन सा युगल नृत्य है? देखिए यहाँ पर युग्म नहीं लिखा हुआ है, ये क्या है, युगल नृत्य है। निम्न में से कौन सा युगल नृत्य है? तो चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, इनमें से आपको बताना है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ए व ब दोनों, क्योंकि पणिहारी नृत्य भी है और संकरिया नृत्य भी है, इसलिए ऑप्शन फोर्थ इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको देखा है, गरासिया जनजाति का जो लोक नृत्य है वो कौन सा है? गरासिया जनजाति का लोक नृत्य कौन सा है? तो बम नृत्य नहीं है और चरी नृत्य भी नहीं है, गरासिया जनजाति का लोक नृत्य कौन सा है? वाल्लर नृत्य है, ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको देखा है, सावन भादो में नृत्य का जो नाटक का रूप है में प्रस्तुत होता है, कौन से नाटक के रूप में वो प्रस्तुत होता है?
तो देखिए गोरी नृत्य नहीं होगा और नेजा नृत्य भी नहीं होगा। सावन भादो में नृत्य का नाटक का रूप प्रस्तुत होता है, गौरी नृत्य इसका करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए दोस्तों, राजस्थान जीके के जो 50,000 क्वेश्चन आंसर की अपन ने सीरीज शुरू कर रखी है, ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, अपना स्कोर भी नीचे कमेंट जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और भी नए क्वेश्चन आंसर के साथ में। एज ऑलवेज थैंक्स फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।